तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल, जिसका हम पार्ट टू आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट वन में बताया था किस तरह से हम डेटा को समराइज करते हैं और पिवट टेबल क्या है, क्या चीज हो सकती है वगैरह वगैरह। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार डेटा को समझते, ये भी एक तरह का सेल्स डेटा ही है, जिसमें सीएल आईडी है, डेट है, नेम है, सिटी है, टोटल है, जीएसटी है, कमीशन है, ग्रांड टोटल है, और यहाँ पे हमारे पास जोन। अब मुझे इसमें रिपोर्ट क्या चाहिए? इसमें मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए। मुझे रिपोर्ट चाहिए कि किस पर्सन ने किस जोन में कितना सेल किया। तो हम यहाँ इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आते हैं, पिवट टेबल एरिया पे जाके हम उसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ हमने नेम को रखा रो में और हम कॉलम को रखते हैं, सिटी को कॉलम में रखते हैं, सिटी नेम जोन है ना हमारा, हाँ जोन को हम रखते हैं कॉलम में। तो यह हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ गया। और मुझे टोटल चाहिए, तो ग्रांड टोटल को मैंने यहाँ रखा। तो ये देखिए टोटल आ गया, कि टोटल में बहुत सारे डेसिमल्स लगे हुए हैं। ये सारे डेसिमल्स को मैंने यहाँ यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और यहाँ जो आपके सामने फॉर्मेटिंग वगैरह है यहाँ से हटा दें, यहाँ से भी हटा सकते, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पिवट। तो हम यहाँ सब टोटल पे आते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में यहीं पे आपको नंबर फॉर्मेट दिखता है, नंबर फॉर्मेट इस पर क्लिक कीजिए। और मैंने इसको नंबर और डेसिमल प्लेसेस को जीरो कर दिया एंड ओके कर दिया, तो सारे डेसिमल्स यहाँ से हट गया। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग होता क्या है पहले जान लीजिए। देखिए जो भी आप फील्ड अपने पिवट में रखते हैं उसकी कैलकुलेशंस होती है, तो डिफॉल्ट आपको यहाँ सम का कैलकुलेशन दिखता है, डिफॉल्ट सम का कैलकुलेशन दिखता है। लेकिन इस सम का कैलकुलेशन डिफॉल्ट होगा और डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। जैसे ग्रांड टोटल में सब नंबर ये कहीं भी टेक्स्ट ब्लैंक वगैरह नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आपका ये टोटल आया। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं सिटी को उठा कर रखता हूँ तो काउंट आया, क्योंकि सिटी में क्या है टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को डेट को काउंट करेगा, नंबर को सम डिफॉल्ट करेगा। लेकिन आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं, कि मैं यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसको एवरेज कर सकता हूँ। तो ये देखिए एवरेज हो जाएगा, जो करना चाहे कर सकते हैं। अभी डेटा मेरा क्या है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। लेकिन इसमें अभी तक मैंने क्या किया है कि वैल्यू में सिर्फ एक रखा है। तो याद रखिएगा, जब दो दो प्रॉब्लम यहाँ मैट्रिक्स फॉर्मेट में होती है, पहली जब आपके पास वैल्यूज में नंबर ऑफ कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, जैसे मैं ग्रांड टोटल के वापस रखना चाहता हूँ, मैं इसको वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ। अब देखिए दो कॉलम आ गया, फिर मैं वापस जीएसटी का भी टोटल करना चाहता हूँ, मैं वापस कमीशन का भी टोटल करना चाहता हूँ। इसे मल्टीपल कंडीशन में अब जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल और सेंट्रल के इतने सारे टॉपिक है, अब इसको देखने में रिपोर्ट देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। पहली प्रॉब्लम तो ये है आपके साथ। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अभी जो हमने जोन रखा हुआ है, अब जोन चार है तो ठीक है ना, अगर मान लीजिए जोन 400 होते तो कितना लंबा कॉलम वाली रिपोर्ट चला जाता। अब लेफ्ट टू राइट नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन टॉप टू टाउन नेविगेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए जब आपके पास मल्टीपल फील्ड की कैलकुलेशन और जो फील्ड आप कॉलम में रखते हैं बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप इसको सब रो में रखें ताकि इस तरह से बन जाए। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन देना चाहता हूँ बड़ी आसानी से दे सकता हूँ, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, और अच्छे तरीके से हो भी रहा। इसमें एक और फायदा है कि ये जो यहाँ जो प्लस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोलैप्स और एक्सपेंड। यहाँ पिवट टेबल का जो नया मेनू बन के आता है पिवट टेबल एनालाइज, उस पर अगर आप जाते हैं तो ये आपका ये एक्सपेंड एंड कोलैप्स इकट्ठा सारा कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए एक्सपेंड हो गया, कोलैप्स हो गया, तो ये समरी ऑफ द समरी कह सकते हैं।
लेकिन इस तरह का यूज तब करते हैं जब रिपोर्ट किसी को एज ए पिवट टेबल भेजना होता है। बहुत केसेस में रिपोर्ट को हमें पिवट टेबल नहीं भेजना पड़ता, रिपोर्ट को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। सॉरी माफ कीजिए, बहुत केसेस में रिपोर्ट को आप कॉपी पेस्ट करते हैं उसको और भेजते हैं। अब मान लीजिए इसी कॉलम को मैं कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, आपको पता चल रहा है कहाँ नेम और कहाँ पूजा है? नहीं पता चल रहा है, दोनों मिक्सअप हो गया। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ नेम हो उसके बाद सिटी हो इस तरह से, या जोन है, जो भी जोन है हम आपका जोन हो, अलग अलग कॉलम। इसके लिए आपको क्या करना है, पिवट टेबल डिजाइन पे जाना है, जो नया टैब डिजाइन लास्ट में बनता है पिवट पे क्लिक करने पे उस पे, और यहाँ जो रिपोर्ट लेआउट है उसी में आइएगा तो यहाँ पे दिखेगा शो इन टेबुलर फॉर्म, क्लिक कीजिए, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दिख जाएगा और हर के नीचे टोटल आ जाएगा, इसको सब टोटल भी कह सकते हैं। आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है तो राइट क्लिक करके इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। सब टोटल यहाँ दिख रहा है आपको, अनचेक कर दीजिए, इस सब टोटल हट जाएगा। वापस लाना है, वापस इस पे क्लिक कर दीजिए, सब टोटल नेम वापस आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने सब टोटल को ला सकते हैं और हटा सकते हैं पहले चीज। अब इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो चीजें दिख रही है ये रिपीट नहीं है ना, मैं चाहता हूँ ये रिपीट हो जाए, मतलब कि पूजा पूजा, क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ पूजा को फिल्टर आसानी से लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और पूजा को फिल्टर लगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब इसको हम कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं, जब फिल्टर करेंगे तो पूजा सिर्फ सेंट्रल को फिल्टर करेगा, इस सबको ब्लैंक मान देगा। तो इसी में आपके सामने यहाँ पे आता है रिपीट ऑल आइटम लेबल, तो ये देखिए पूजा मोहन रिपीट हो गया, ब्लैंक फिर नहीं रहा, सब रिपीट हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन चाहिए होता है, तो ब्लैंक रो आप कर देते हैं, तो ये देखिए पूजा और मोहन के बीच में ब्लैंक आ गया, मोहन कविता के बीच में ब्लैंक आ गया, इस तरह से ब्लैंक वगैरह भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए ये सब हटाना है, नॉर्मल करना है, तो वापस मैं रिमूव ब्लैंक कर देता हूँ, रिपोर्ट लेआउट में आए कि डू नॉट रिपीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सिलेक्ट करके मर्ज करना है, क्या करना है, मर्ज। लेकिन जब मैं मर्ज करता हूं तो डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना होगा, पिवट टेबल ऑप्शन, और पिवट टेबल ऑप्शन में आपको यहां दिखेगा मर्ज। इस मर्ज सेंटर सेल विथ लेवल पे जाइए एंड ओके कर दीजिए, ये देखिए सारा का सारा मर्ज हो गया पूरा का पूरा। अच्छा इसमें एक और फीचर आती है कि पूजा ने सेंट्रल में ए आपका सेल किया है, भाई इसका डेटा क्या है, किस किस का सेल किया, मुझे इसका डेटा देखना है। तो जनरली आप जाके डेटा में फिल्टर लगाएंगे, तो डेटा में फिल्टर लगाने से अच्छा है कि पिवट टेबल पे जाएं और जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। जैसे डबल क्लिक करेंगे नई सीट में वो डेटा को कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन ये प्रॉब्लम भी होती है, कई लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, तो पिवट टेबल ऑप्शन में आप यहाँ डेटा वाले सेशन में जाएं और यहाँ पे अनेबल शो डिटेल को अनचेक कर दें। यहाँ एक और चीज़ है, रिफ्रेश व्हेन डेटा ओपनिंग फाइल, तो जब भी डेटा ओपन होती है तो क्या ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। सेव डेटा सोर्स विथ फाइल, डेटा को सोर्स के साथ फाइल मतलब डेटा जो है विथ फाइल सेव करेगा या फिर नहीं करेगा, जब उसको सेव एज करेंगे तो आप पे डिपेंड करता है। ओके कर दीजिए, अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। तो पिवट टेबल में आज आपने सीखा समराइजेशन, कि हाउ कैन समराइज द पिवट, कि पिवट को किस तरह से हम समराइज करते हैं। इसमें हमने रो एंड कॉलम के हिसाब से यूज किया और यहाँ पे आपके सामने डेटा को रिप्रेजेंट किया, राइट। अब आपके सामने ये डेटा है, आज मैं आपको एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं देने वाला,
एक्सरसाइज में हम सिंपल सा ये हमारा रिपोर्ट आपके सामने मेरा डेटा है जिसमें मंथली रिपोर्ट है हमारे पास। आपको बस इसमें कंपेयरिंग रिपोर्ट बनाना है, यहाँ पे एक बनाना है आपको कि मेक सेल्स कंपेयर रिपोर्ट। ठीक है, बन जाएगा सेल्स कंपेयरिंग रिपोर्ट। क्या होता है समझ में आता है सर आपको? दो पीरियड के सेल्स को कंपेयर करना, तो आपको ये कंपेयरिंग रिपोर्ट जो है आपको बनानी है।